तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ GTA 5 को मोड कैसे करना है। GTA 5 को मोड करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोड एक्चुअली होता क्या है, और उससे भी पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है इस चैनल का, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो काफ़ी बढ़िया फैक्ट्स वगैरह बनाता है। आपको गेमिंग से हटके कुछ चाहिए तो मतलब काफ़ी बढ़िया फैक्ट्स एंड नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स वगैरह के, भाई बहुत ख़तरनाक नॉलेज है उस बंदे के पास। वो दो जन भाई काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, प्लीज़ उनको जाकर थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। काफ़ी टैलेंटेड बंदे हैं दोनों। गेमिंग से हटके कुछ आपको अगर जानना है तो वो चैनल भाई काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस, आज हम फिलहाल मोड्स इंस्टॉल करने का सीखने वाले हैं। तो मोड्स इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है, जैसा कि मैंने कहा। मैंने यहाँ पर कुछ लिंक्स जो है यहाँ पर रखी हुई है फिलहाल, जो है यहाँ पर इन लिंक्स को हमको जो है कॉपी करके डायरेक्ट अपने क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करना है। मैं ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें एक लिंक मैंने ऐड नहीं की है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि वो चीज़ को हमको कैसे डाउनलोड करना है। तो हमको सबसे पहले मोड करने के लिए चाहिए स्क्रिप्ट हुक वी, scripthookv.net, बाद मेन्यू एस पी की फाइल है, और ये जो दो आपको यहाँ पर लिंक दिख रही है, ये लैम्बोर्गिनी सियान और लैम्बोर्गिनी टैरेज़ो की दो फाइल्स हैं, उसको हमको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो है यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट हुक वी वाला जो है मैं उसको मतलब कॉपी कर लेता हूँ, और मैं उसको क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट कर लेता हूँ। ओके ओके, ये कॉपी नहीं हुआ शायद, मैं वापस एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने जो है यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट हुक वी का जो फाइल था उसको मैंने मतलब कॉपी कर लिया यहाँ पर, और मैं इसको भी डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में मेरे मोड्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस जगह पे। सब छोटी फाइल्स है, सब ज़्यादा बड़ी फाइल्स है नहीं कोई भी यहाँ पर। मैं अभी यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ, और जो अभी यहाँ पर मैं दूसरी लिंक भी आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। ये वाली स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट की जो है ये वो लिंक है, और इसको हमको यहाँ पर फिलहाल क्रोम ब्राउज़र में वापस इसको पेस्ट करके हमको इसकी भी मतलब फाइल जो है डाउनलोड करनी है। इसकी फर्स्ट वाली ही फाइल डाउनलोड करनी है, दूसरी कोई फाइल हमको ज़रूरत नहीं है उसकी। स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट की यहाँ पर फाइल है, यहाँ पर जो है मैं उसी सेम मोड्स फोल्डर में इसको मैं पेस्ट कर मतलब डाउनलोड करने वाला हूँ। और बाकी मैं यहाँ पर नई टैब वापस खोल लेता हूँ, और मैं जो है यहाँ पर अब मेन्यू की जो ये लिंक है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसको भी मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये तीन जो है मोड्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एक लिंक मैंने आपको बताई जो मिसिंग है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 MB की फाइल है, और ये भाई सब काफ़ी छोटी छोटी फाइल्स हैं यहाँ पर। और जो हमको यहाँ पर ओपन आई वी चाहिए होगा मेन, तो हमको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है ओपन आई वी डाउनलोड, आपको रिजल्ट में भी आ जाएगा ये चीज़। फर्स्ट लिंक है उसको आपको क्लिक कर लेना है, और जो है यहाँ पर आपको ये वाला जो ग्रीन बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड नाउ ओपन आई वी 4.0, ये एक्चुअली एक सेटअप है, और मैं इसको मोड्स वाले में ही यहाँ पर जो है इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये भी काफ़ी एक छोटी सी फाइल थी, और अब मैं जो है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि वो जो मेन साइट है जिस पर जो कार की फाइल्स डाउनलोड होगी वो है GTA 5 मोड्स। मैंने यहाँ पर जो है सर्च का किया हुआ था लैम्बोर्गिनी सियान का, उसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फिलहाल, और दूसरी टैब खोल के मैं तुरंत ही लैम्बोर्गिनी टैरेज़ो का भी डाउनलोड करने रख देता हूँ। GTA 5। ओके, सबसे पहले मुझे लोकेशन पूछ रहे हैं, तो मैं इसको मोड्स में जाके ही इसको भी मैं वही करने वाला हूँ पेस्ट। ओके, लैम्बोर्गिनी सियान नहीं, हमको लैम्बोर्गिनी टैरेज़ो चाहिए। सियान में थोड़ी अलग फाइल है, टैरेज़ो में थोड़ी अलग फाइल है, वो दोनों टाइप की फाइल मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा दूंगा इस वीडियो में। कार की फाइल्स थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन ज़्यादा भी बड़ी नहीं, वो 50 MB की जितनी होती है, और भाई दूसरी मतलब एक एक्सेप्शन होता है जिसमें भाई वो 100 MB के भी ऊपर चली जा सकती है वो फाइल्स जो है वो। मैंने यहाँ पर ये दोनों फाइल्स को मतलब यहाँ पर इसमें इंस्टॉल कर लिया है अपने मोड्स फोल्डर में जो है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये अभी डाउनलोड होनी बाकी है, मैं इन सारी फाइल्स को हमको एक्सट्रैक्ट करना है फिलहाल जो है यहाँ पर। मैं इन सबको एक एक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले ये जो फाइल है वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, अभी तक डाउनलोड, ओके ये यहाँ पर हो चुकी है डाउनलोड। मैं
मैं भी इन सबको यहाँ पर जो है एक साथ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट ईच आर्काइव टू अलग फोल्डर, मतलब सेपरेट फोल्डर। तो अभी ये सब एक्सट्रैक्ट हो रही है जो फाइल्स, यहाँ पर मैं इस क्रोम ब्राउज़र को बंद कर लेता हूँ और अपना ये जो लिंक्स वगैरह जो नोट पैड है उसको भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर फाइल्स सब है वो आ चुकी है यहाँ पर, अब चाहिए तो इन सबको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है उसको हम डिलीट करेंगे तो भी हमको कोई नुकसान नहीं है। ये सेटअप मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कार इंस्टॉलेशन में ये हमको चाहिए होगा मेन तो। ओके, मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। ओपन आईवी को फिलहाल जो है यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस अग्रीमेंट और कंटिन्यू। और ये हमको इंस्टॉलेशन का लोकेशन पूछ रहा है हम इसको, और इसको आप याद रखें कि आपको यहाँ पर नेट का कनेक्शन चाहिए होगा मेन तो, ऑफलाइन रह के आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो है 19 MB का जो डाउनलोड मांग रहा है। आप में कुछ ज़्यादा भी मांग सकता है, कम भी मांग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो है यहाँ पर ये धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से सब फाइल्स जो है आ चुकी हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली जो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर अपना ओपन आईवी जो है पूरा इंस्टॉल होने वाला है और ये देख रहे हैं आप हो चुका है यहाँ पर। वो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने GTFI की मेन डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है। आपके डेस्कटॉप पे आइकन भी होगा लेकिन मेरे में आइकन मैंने रखा नहीं है, इसके लिए मुझे याद रखना पड़ता है कि वो कहाँ पर है, और ज़्यादा दिक्कत की बात भी नहीं है वो। ये जो है यहाँ पर फिटगर रिपैक की जो डायरेक्टरी है GTFI की, उसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि GTFI को फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। वो फिटगर रिपैक है लेकिन आप इसको एपिक गेम्स और स्टीम वाले में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में यूज़ मत करना, आपकी आईडी बैन हो सकती है। तो आपको ये जो है इसका पूरा आपको बैकअप ले लेना है। मैंने यहाँ पर जो है बैकअप लिया हुआ है पूरा, इसका बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर अगर कोई भी अगर मोड्स फाइल अगर हम लोग गलत डिलीट मार देते हैं या फिर कोई गलत ऐड कर देते हैं तो गेम की फाइल पूरी करप्ट हो सकती है और आपके लाइफ के और 3 घंटे वेस्ट हो सकते हैं इंस्टॉलेशन में, अगर आपके पास ये वाली जो फाइल है तो। तो ये डाउनलोड होने में मुझे तो 1.5 दिन लगा था, आपका मालूम नहीं, वो इंटरनेट पर डिपेंड रखता है। और इसमें हमारा ओपन आईवी भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, मैं फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है बैकअप की भी डायरेक्टरी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझको थोड़ी आसानी हो फाइल्स को पेस्ट, और थोड़ा यहाँ पर मैं इजी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं मोड फोल्डर भी इसी तरह ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर जो है। तो ओके, मैंने यहाँ पर इसको भी थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हमको चाहिए स्क्रिप्ट हुक भी। इसमें जो बिन फोल्डर है इसमें हमको यहाँ पर 2 फाइल्स होगी, सबसे पहले dinput8.dll और scripthookv.dll। nativetrainer.asi की फाइल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों फाइल्स को हमको यहाँ पर गेम के डायरेक्टरी में पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर ये जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है, एक ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसी तरह से हमको अभी यहाँ पर चलो स्क्रिप्ट हुक का तो हमारा काम हो चुका है फिलहाल। हमको बाद में चाहिए स्क्रिप्ट हुक v.net। इसमें हमको asi और .dll वाली सारी फाइल्स को हमको गेम के डायरेक्टरी में पेस्ट करना है। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट हुक v.net.asi, स्क्रिप्ट हुक v.net, ये जो dll वाली है, और ये जो है ये वाली स्क्रिप्ट हुक v.net3.dll वाली, इन 3 फाइल्स को हमको GTFI की डायरेक्टरी में पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 3 फाइल्स कॉपी हो चुकी है यहाँ पर। और अब हमको ये मेन्यू SP जो खोलना है, इसमें मेन्यू स्टफ और menu.asi, ये दोनों फाइल्स को हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है GTFI की मेन डायरेक्टरी में। इसको भी हमने यहाँ पर कर दिया है। ओके, यहाँ पर ये थोड़ी बड़ी फाइल थी जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो आई थी वो। तो गाइस आपका मोड जो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी कार इंस्टॉलेशन का मोड मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है। उसके लिए हमको ये जो अपडेट फोल्डर है ये 35 GB का है। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा OpenIV। अभी OpenIV मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना था, तो यहाँ पर मैंने जो है OpenIV इंस्टॉल किया हुआ है। और आपको यहाँ पर विंडोज़ सिलेक्ट करना है, दूसरे किसी को सिलेक्ट मत करना क्योंकि हमको विंडोज़ में हम लोग ये करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हमको अपने GTFI की जो मेन डायरेक्टरी है उसका जो यहाँ पर लोकेशन हमको वो यहाँ पर इसमें डालना है। मेरे में एलिमेंट डी में है और ये GTFI बैकअप, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो सक्सेस है ये यहाँ पर हमको बोल रहा है कि डू नॉट फॉरगेट टू बैकअप योर ओरिजिनल फाइल, मतलब हम लोग ने तो यहाँ पर कर लिया है, इसके लिए हमको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लाइक 1-2 मिनट लगता है इसको पहली बार स्टार्ट होने के लिए। तो गाइस यहाँ पर जो है OpenIV ओपन हो चुका है, और यहाँ पर जो फाइल है GTFI वो मेरी बैकअप फाइल है जो मैंने यहाँ पर बनाई थी। इसमें सबसे पहले हमको टूल्स में जाके ASI मैनेजर को क्लिक करना है।
यहाँ पर इसको ASI मैनेजर को हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर ये जो 3 फाइल्स है हमको यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ये इंस्टॉल ही है यहाँ पर और ये 2 फाइल्स को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग को यस कर देना सिंपली और यहाँ पर ये भी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर और ये भी हमको यहाँ पर इंस्टॉल कर देना। 3 यहाँ पर जो फाइल्स इंस्टॉल हो चुके हैं तो आपके यहाँ पर एक मोड्स फोल्डर आ गया होगा, एक एम्प्टी फोल्डर है। आपको ये जो अपडेट फोल्डर जो मैंने आपको बताया वीडियो का जो मेन डायरेक्टरी में मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ, ये जो मतलब अपडेट फोल्डर है इसको आपको पेस्ट करना है, मतलब कॉपी करके अपने मोड फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है। 35 GB का है, ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं वीडियो थोड़ी स्किप कर देता हूँ, आपको ये पेस्ट है उसके बाद ही देता हूँ। तो गाइस जो अपडेट फोल्डर था वो मेरे GTA 5 की गेम डायरेक्टरी में जो है वो पूरा कॉपी हो चुका है। ये जो अपडेट फोल्डर था वो अभी मोस्ट फोल्डर के GTA 5 के मोस्ट फोल्डर में यहाँ पर जो है आ चुका है यहाँ पर। और गाइस अब जो हमको फिलहाल यहाँ पर जो है मोस्ट में जाकर जो हम लोग ने 2 फाइल जो 2 कार की फाइल थी वो हमको यहाँ पर डाल देंगे। टैग मिला है कॉन्सेप्ट कार है, इसमें ये जो रीडमी वाली फाइल है सबसे पहले तो हम लोग इसको इसमें सबसे नीचे हमको ये एक लाइन मिल जाएगी आइटम ये टैग टैग आइटम, ये यहाँ पर सारी इंस्टॉलेशन वगैरह की सब डिटेल्स हैं। मेन हमको सिर्फ एक ये लाइन चाहिए बस, इसमें फिलहाल हमको कंट्रोल सी करके सिंपली कॉपी कर लेनी है और सबसे पहले हमको जाना है ओपन आईडी में। सारे काम के लिए ये इंस्टॉलेशन सेम ही होगा, रीडमी की फाइल थोड़ी बहुत अलग होगी। यहाँ पर मैं ओपन है, मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैंने स्टार्ट कर रहे हो गया था और यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये वाली एक फाइल है, कभी भी इस फॉर्मेट की फाइल को ढूंढना है आपको रेडमी वाली फाइल में, बाकी सब डिटेल्स तो हमारी यहाँ पर जो है पूरी की पूरी सेव रहती है। ओके तो ये यहाँ पर ओपन आई भी पीछे ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ पर इस फाइल को जो है प्रॉपर एक बार कॉपी कर लेता हूँ वापस कंट्रोल सी करके श्योरिटी के लिए। और फिर हमको यहाँ पर आप ये चाहे तो पास देख लीजिए प्रॉपरली, एक बार हमको जाना सबसे पहले मोड्स में, फिर अपडेट अपडेट डॉट आर पी एफ कॉमन डेटा, और उसके बाद सबसे पहले हमको आना है एडिट मोड ऑन करना है। DLCList.XML वाली ये जो फाइल है यहाँ पर इसको हमको यहाँ पर जो है एडिट करना है। हम कंट्रोल एंटर करके ही हमको यहाँ पर इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं कंट्रोल एंटर प्लस करके। और यहाँ पर जो है हमको ये जो लास्ट वाली जो फाइल है ये वाली हमको इसमें एंटर करना है और कंट्रोल V प्रेस कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से ये टैग्स वाली जो फाइल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। और इसके बाद हमको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ये जो फाइल्स है इसमें हमको अपडेट X64 DLC पैक्स और ये जो टैग्स वाली जो फाइल इसमें DLC वाली एक ऐसी फाइल होगी, हमको ये टैग्स वाली फाइल जो है उसको भी हमको कॉपी करना है और हमारे मतलब GTA 5 के मेन डायरेक्टरी में हमको जाना पड़ेगा वापस एक बार। और यहाँ पर जो मोड्स फोल्डर है मोड्स अपडेट X64 DLC पैक्स और ये जो है पूरा यहाँ पर हमको इसको पेस्ट कर देना है। ओके यहाँ पर ये जो है मालूम नहीं कुछ तो एरर बता रहा है और यहाँ पर शायद ये यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुई है जो फाइल है वो यहाँ पर। चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको ये फोल्डर भी आपको पेस्ट कर देना है। और जब मैं आपको दिखा देता हूँ कि CN का क्या करना है हमको, उसमें हमको सिर्फ यहाँ पर ये है मैनुअल इंस्टॉलेशन में जाना है और उसमें यहाँ पर मोड इंस्टॉलेशन का ये जो रीडमी है यहाँ पर ये वही है और ये जो है आर मोड CN इसको हमको कंट्रोल सी कर लेना है और इसको भी हमको सेम इसी तरह कंट्रोल एंटर करके इस तरफ इस मतलब ये वाले DLCPack.XML वाले में उसको इसको पेस्ट कर लेना है। सेव करने के बाद हमें ओपन आई का फिलहाल कोई काम नहीं है, उसको बंद कर देंगे और जो DLC वाली फाइल है इसको हमको कॉपी करना है। GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में हमको इसको जाना है वापस और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है हमको। एक नया फोल्डर बनाने के बाद जो है इसको नाम देना है आर मोड CN। आर मोड CN नाम दे देने के बाद हमको ये जो DLC वाली जो फाइल थी इसको हमको इसमें पेस्ट कर देना है। आर मोड CN इसके लिए क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसको जो मतलब क्या करें अभी यहाँ पर जो हम लोगों ने इसको यहाँ पर आप देख पा रहे हो आर मोड CN है आर मोड कस्टम है ना, तो हमको इसको आर मोड CN नाम देना पड़ा है। तो इसी तरह से आपकी ये जो कार है लैम्बोर्गिनी CN वो भी जो है ऐड हो चुकी है। अब मैं आपको डायरेक्ट गेम चालू करके ही दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो है गेम भी स्टार्ट हो चुका है। आपको सिंपली क्या करना होगा, अगर आपको मेन्यू मोड ऑन करना है तो सिंपली आपको F8 2 बार प्रेस करना है।
ये देखो F8 दो बार प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये आपके स्क्रीन के लेफ्ट टॉप पे यहाँ पर जो है खुल जाएगा ये चीज़ जो है मेन्यू मोड जो है यहाँ पर। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है व्हीकल के, वेपन के, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, सबका अलग अलग वीडियो बन जाएगी, आप चिंता मत करिए, कभी ना कभी हम बना लेंगे। और अगर आपको अपनी मतलब आपने जो मोड करके जो कार डाली है जो लैम्बोर्गिनी सियान जो टायर जो हम ऐड नहीं कर पाए वो भी कभी ना कभी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो व्हीकल स्पॉनर में जाना है, व्हीकल स्पॉनर के बाद जो लास्ट ऑप्शन है देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पर। ओके यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसमें इनपुट मॉडल करके आपको हम लोग ने जो फोल्डर जो नाम का फोल्डर बना है आर मोड सियान, हमको ये नाम यहाँ पर लिखना है। और जैसे आप नाम लिखेंगे आपके भाई आप डायरेक्ट कार में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो काफ़ी सारी मतलब GTA 5 में जितनी भी कार है जितनी भी बाइक है अब यहाँ पर हम सबको यहाँ पर जो है ला सकते हैं। इसी मेन्यू मोड में सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपको सियान का भी नाम दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये रहा सियान FK P37। ये यहाँ पर जो गाड़ी है यहाँ पर आ चुकी है हमारे मोड में। और बैक फेस वगैरह सब बैक होना है और एरो की से आपको इसको यूज़ करना है। और अगर बस ये टायर को तो ऐड नहीं कर पाए लेकिन सेम टू सेम आपको मतलब दूसरा कुछ फोल्डर बनाना नहीं पड़ेगा उसके लिए, आपको बस मतलब एक उसके बाद आपको मोस्टली तो मोड में आपको फोल्डर जो है उसका मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो है लैम्बोर्गिनी सियान भी ऐड हो चुके हैं, यहाँ पर प्रॉपरली रनिंग आप देख पा रहे जो है यहाँ पर। तो चलो गाइस आप इंजॉय कर सकते हैं आप इस मोड को, और बस मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस वीडियो में मतलब इस चैनल पर नए आए हैं। तो चलो गाइस आज की छोटी वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो मुझको इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो गाइस आज की छोटी वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।